मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पोएट्री रेसिटेशन की तैयारी आप अच्छे से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके चालू शुरू करते हैं। पहले आपको इंट्रोडक्शन बोलना चाहिए, अपने पोएम के बारे में कुछ बताना चाहिए, ऑडियंस को बताना चाहिए। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, सुप्रभात मेरे आदरणीय शिक्षकगण, निर्णायकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, मेरा नाम विनीत है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता में मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी मानव जाति की उत्पत्ति पशु पक्षी जाति की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मैं मेरी कविता स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उत्पन्न हुए थे जीवाणु सबसे पहले पानी में, धीरे धीरे आए फिर लाखों मोड़ कहानी में, विकसित होकर जीवाणु रूप बदलते जाते थे, पानी पे या पृथ्वी पर यहाँ वहाँ बस जाते थे, सब केचुए मेंढक आदि थे पानी के अंदर आए, धरती पर फिर हाथी वालू अपने दादा बंदर आए, इनमें से चिंपैंजी बंदर पेड़ों पर जो रहते थे, फूल कली ही खाया करते, अपने सर्दी गर्मी सहते थे, पृथ्वी पर फिर जीवों की फिर खूब बड़ी जब आबादी, नहीं रही खाने पीने की पहले जैसी आज़ादी, फिर तो बंदर दादा नीचे पेड़ों पर से उतर पड़े, सीधे तनकर मानव जैसे दो पैरों पर खड़े हुए,